कि व्हेन टू सोप बबल्स कंबाइन इन वैक्यूम एट अ सेम टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। देखो जब ड्रॉप्स कंबाइन होते थे तो पहला रूल होता था वॉल्यूम को इक्वेट कर लो, अंदर का पानी कंबाइन करके बड़ा पानी बन जाता था, तो वॉल्यूम इक्वेट करके हम रेडियस में रेशियो निकालते थे। हम जब बबल्स कंबाइन होते हैं ये कॉन्सेप्ट लगाते नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट लगता तो फिर तो आपकी केमिस्ट्री में सारे गैस जब गैसेस को जब कंबाइन करते हैं फिर तो वॉल्यूम वॉल्यूम से आंसर नहीं आ जाता। नहीं, आप गैसेस के केस में प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर तीन फैक्टर्स लेते हो, तीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं जो चेंज होते हैं। पर इसने कहा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो दो रह गए, पी इन टू वी। जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है एयर गैस की तरह है तो दो गैसेज मिक्स होती हैं, तो बॉयज लॉ कैन बी अप्लाइड इस केस में। समझो ये दो सिलेंडर्स के अंदर गैसेज को मिक्स किया एक तरीके से, तो इसके अंदर पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू पी इन टू वी लगेगा। अब ये कंबाइन कहाँ हो रहे हैं क्वेश्चन में गिवन होगा, वैक्यूम में। वैक्यूम की खास बात यह है किसी भी बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है पी इनसाइड माइनस पी एटमोसफेयर, वो क्या किया था 40 बाय आर। अगर ये कह रहे हैं कि बबल वैक्यूम में है तो वैक्यूम के अंदर एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जीरो। तो इनसाइड का प्रेशर क्या बच जाएगा, 40 बाय आर। तो बबल के अंदर प्रेशर क्या है, 40 बाय आर। तो क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? तो इसमें प्रेशर की वैल्यू 40 बाय आर1 पहले बबल में, और वॉल्यूम फर्स्ट बबल का पुट कर दिया, फिर 40 बाय आर2 सेकेंड वॉल्यूम, 40 बाय आर जो नया जो बबल होगा उसका रेडियस अगर आर है तो उसका वॉल्यूम, सब कुछ कैंसिल होने के बाद ये टर्म 4 पाई भी कैंसिल, तो ये आंसर आ गया। शॉर्टकट याद कर सकते हैं इसका कि आर जो नया रेडियस होगा बबल का वो अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होगा। बबल है ये, एयर बबल है, ड्रॉप नहीं है। अगर ये ड्रॉप होता फिर तो वॉल्यूम से बात बन जाती थी, आंसर आता था। पर बबल्स में कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला है, आपको पेपर में आ सकता है कि एक बबल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, एक का 4 सेंटीमीटर है, दोनों कंबाइन हो गए वैक्यूम में, तो नया क्या होगा रेडियस 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लगा देना आंसर। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि बबल कॉम्बिनेशन का ऑब्जेक्टिव कैसे करना है इसमें।